बीजेपी नेता के साथ हुई मारपीट, पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हिंसा, नेता की गाड़ी को भी तोड़ा, वोटिंग के बीच टीएमसी वर्सेस बीजेपी की जंग, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के बीच हिंसा के छिटपुट घटनाएं हुई। हिंसा प्रभावित बीरभूम और बर्धमान दुर्गापुर निर्वाचन क्षेत्रों के कई हिस्सों में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तेजी से खबरें आ रही थी। यही नहीं बल्कि टीएमसी और लेफ्ट के बीच जमकर जंग हुई। इधर बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट के सुसुनिया क्षेत्र में दोपहर के समय टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के बीच जब झड़प हो गई, तब भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष मतदान केंद्र पर गड़बड़ी होने की शिकायत मिलने के बाद एक चुनाव बूथ पर जा रहे थे। आरोप है कि टीएमसी के समर्थकों ने दिलीप घोष के काफिले को रोक दिया और उनके वाहन के सामने प्रदर्शन करने लगे। इतना ही नहीं, दिलीप घोष का आरोप है कि उनके साथ धक्का मुक्की तक की गई, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया। सुनिए दिलीप घोष को, उसके बाद आपको सुनवाते हैं टीएमसी की ओर से आखिर क्या पलटवार किया गया। अभी हल्ला हो रहा है, जहां किसी विपक्षी दल के एजेंट को बैठने नहीं देते हैं, लोगों को वोटिंग करने नहीं देते, सालों से वो चलता है। हम लोग वहां जबरदस्ती आज एजेंट भी लगाया है, मार के निकालने के बाद फिर जगह में बैठाया। और वहां मैं जब जा रहा हूं अपने वोटर को हिम्मत देने के लिए, एक मुस्लिम बस्ती में तो हिंदू वालों को वोट नहीं देते हैं। मैं वहां जब जाता हूं पथराव होती है, गाड़ी तोड़ा जाता है, हमारे वर्कर को मारा गया, हमारे सिक्योरिटी फोर्स को इंडेड किया गया और मीडिया पर्सन को भी इंडोर किया गया, उनका गाड़ी तोड़ा गया। अभी फिर क्या हुआ? अभी आफिस साहब गए थे आपके, अभी यहाँ वर्धमान नॉर्थ का 204 नंबर बूथ में गए तो वहाँ भी वही है, हुलीगन से चिल्लाने लगे, स्लोगन देने लगे और फिर ईंटा मारने लगे। हमारी सिक्योरिटी की गाड़ी टूटी, सिक्योरिटी के सर फूटी, दोनों का चोट लगा है। तो ये जो हिंसा, ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स पॉलिटिक्स में, इसका उसका उदाहरण है। ये सब टीएमसी के और एंटी सोशल है। सब वोटिंग हो रहा है, जहां वोटिंग करने नहीं दे रहे हैं एक दो चार बूथ में, मैं जब जाता हूं तब हिंसा होती है। परिणाम के बाद सब ठंडा हो जाएगा, चिंता मत करिए। चलो, कुछ नहीं कर पाएंगे, हारेंगे, इसीलिए इस प्रकार कर रहे हैं। आपके ऊपर टारगेट किया जा रहा था? टारगेट तो हमें किया जाता है, और जब हमने बचाने जो आते हैं उनको लगता है चोट। पुलिस कहाँ है? बंगाल पुलिस सेंटर, पुलिस फोर्स कहाँ है? वही तो प्रश्न है, पुलिस कहाँ है, प्रशासन कहाँ है? वो लोग भी एंटी सोशल के साथ है, वो लोग वोट कराते हैं। क्या करेंगे दादा? क्या कंप्लेन आपने किया है सर? हमने कंप्लेन नहीं किया, सीएसएफ वाले है, वो करेंगे कंप्लेन। हॉस्पिटल गया, एक सर फूटा है। वो तो दिलीप घोष तो खुद ही चाहते थे कि गड़बड़ हो, कुछ हिंसा हो, वो तो यही चाहते, क्योंकि उनके हर भाषण में हिंसा को उत्साह देने वाली बात निकलती है। तो हमें तो लगता है कि ये उनके सिक्योरिटी गार्ड्स है या उनके जो हैं फॉलोअर्स, शायद वही तोड़फोड़ किए होंगे। उनसे ठीक से पूछताछ कीजिएगा और जांच भी होनी चाहिए।